The Prime Minister of the Republic of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और जहां अमेरिका में भारत का डंका बजा रहे हैं, वहीं भारत में मोदी विरोधी राजनीतिक गठबंधन के लिए विपक्षी दल पटना में एकजुट हो रहे हैं। अहम बात यह है कि देश में विपक्षी गठबंधन की शुरुआत जिस कांग्रेस के विरुद्ध हुई थी, उसी कांग्रेस के वारिस राहुल गांधी भी पटना की बैठक में क्षेत्रीय दलों के आंगन में गठबंधन के लिए छम छम करते दिखाई पड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस देश में मुख्य विपक्षी दल है, मगर अब कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वो अकेले नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला करने में अपने आप को असहाय मान रही है। यही कारण है कि क्षेत्रीय दलों का सहारा लेकर पीएम मोदी के मुकाबले में खड़े होने की छटपटाहट में कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसे नीतीश कुमार के बुलावे पर इस बैठक में जाना पड़ रहा है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो राहुल गांधी किस हैसियत से इस बैठक में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ये पहला मौका है जब गांधी परिवार का वारिस गठबंधन के लिए किसी क्षेत्रीय दल के न्योते पर उसके आंगन में जाने को मजबूर है। देश में गठबंधन की राजनीति का प्रयोग कभी भी बहुत सफल नहीं रहा। ऐसे में राहुल गांधी का ये कदम राजनीतिक रूप से सही दिशा में है या नहीं, ये तो वक्त के साथ ही साबित होगा। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।